खुश आमदीद आप सबका आज हम इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम की डिफिनीशन इसका स्ट्रक्चर एंड इसकी फंक्शंस अगर हम इकोसिस्टम की डिफिनीशन पे जाएंगे तो यहाँ पे इकोसिस्टम दो टर्म्स का बना होता है एक होता है इको एंड सिस्टम तो सिस्टम वही होता है जिसकी बाउंड्रीज होती है तो इकोसिस्टम यहाँ मान के चलते हैं जिसकी एक इमेजनेरी बाउंड्री होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज करते हैं विद द एनवायरनमेंट इसी ज़मन में आ, हमारे पास दो और टर्म्स है इकोलॉजी एंड बायोम तो इकोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है ऑर्गेनिजम्स की रिलेशन विद अनदर ऑर्गेनिजम्स और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में तो इकोलॉजी बेसिकली ग्रीक टर्म है जो माने रखती है हाउस लिविंग जहाँ पे हम रहते हैं तो ये फर्स्ट जोलोजिस्ट ने जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल 1866 में कॉइन की थी ये टर्म उसके अलावा हमारे पास जो टर्म बायोम है ये एक लार्ज नेचुरली ऑकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड दैट मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स जो एक मेजर हैबिटेट में रहते फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में ठंड्रा में तो ये टर्म क्लामेंट्स एंड शल्फोल ने दी थी नाइनटीन थर्टी नाइन में टर्म इकोसिस्टम फर्स्ट जो प्रपोज की थी ए जी टेन्सले ने नाइनटीन थर्टी फाइव में जिन्होंने सिंपल लैंग्वेज में इको सिस्टम को डिफाइन किया था तो इको सिस्टम इज डिफाइनड एज ए सेल्फ सस्टेनिड कम्युनिटी तो सेल्फ सस्टेनेड कम्युनिटी का मतलब है प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में सेल्फ सस्टेन एग्जिस्ट करते तो इस डेफिनेशन से हमें कुछ खास मालूम नहीं मिलती है तो हमें एलाबरेट uh, uh, करने की ज़रूरत है बहुत ही समझने की ज़रूरत है जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमें ई पी ओडम नाइनटीन में दी थी तो इन्होंने इस डेफिनेशन में बहुत ही एलाबोरेट ली डिस्कस किया कि इकोसिस्टम क्या होता है इकोसिस्टम किस चीज़ का बना होता है और इकोसिस्टम की क्या फंक्शंस होती है तो चलो जान लेते हैं तो ये बोलते हैं कि एनी यूनिट दैट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स इन ए गिवन एरिया तो एक यूनिट की जब हम बात करते हैं एक सिस्टम की जब हम बात करते हैं एक इमेजिनरी बाउंड्री का ख्याल हमें जहन में लाना होता है कि जिसमें ऑल ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्ट करते हैं तो फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ इन कैसे इंटरेक्ट करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ एक पौधा है तो वो सॉइल में ग्रो होता है तो वो कैसे अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन करता है फर्स्ट ये एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है सॉइल से ये मिनरल्स लेता है वाटर लेता है ठीक है तो ये सब मिला के ये फोटोसिंथेसिस करता है तो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद द एटमोसफियर एंड एबजॉर्बशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल ये होता है इंट्रैक्शन और ये सॉयल में क्या देता है अपना डेड ऑर्गेनिक मटेरियल तो ये एक फिजिकल एनवायरनमेंट की जो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंट्रैक्शन हुई विद एनवायरनमेंट तो यहाँ तक आपको समझ आया तो बट इसमें कुछ और एडिशन है अब ये इंट्रैक्शन कैसी होनी चाहिए सो दैट देर इज फ्लो ऑफ एनर्जी बेसिकली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी जब हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हम हमारे जहन में आना चाहिए देर इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू द हर्बी टू द प्रोड्यूसर्स देन हर्बिवोर्स दैन कॉर्निवर्स दैन टॉप कॉर्नीवर्स दैन दिस इज कॉल्ड यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऐसा सिस्टम में नहीं होता है कि टॉप कॉर्नीवर्स से आपको एनर्जी मिलेगी टू द प्रोड्यूसर्स तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी दैन ट्रॉपिक स्ट्रक्चर अब हमारे पास ट्रॉपिक स्ट्रक्चर कैसा होता है जब हम ट्रॉपिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे जहन में इकोलॉजिकल पायरेमिड्स की बात आती है जो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो इकोलॉजिकल पायरामिड्स होता है कि व्हाट इज़ द अमाउंट नंबर और एनर्जी एट पर्टिकुलर स्टेज फॉर एग्ज़ाम्पल हरबीवोर्स में वट इज़ द नंबर ऑफ हरबीवर्स अगर हम ट्रॉपिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखेंगे तो उसमें हमें नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स देखना पड़ेगा देन नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमें नंबर ऑफ हरबीवर्स दैन कारस तो एज सच ये स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा यूजली जब हम एनर्जी के ट्रॉपिक स्ट्रक्चर देखते हैं वो ऑलवेज अपराइट होता है बट जब हम बायोमास का जो है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर देखते हैं इन डिफरेंट इकोसिस्टम चाहे एक्वाटिक इकोसिस्टम हो ग्रास लैंड हो तो वो डिफरेंट होता है या पैरास्टिक जो है हमारा इको है वो डिफरेंट होता है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और इसकी अदर फंक्शन है बायोटिक डाइवर्सिटी बायोटिक डाइवर्सिटी मीनस की डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी वेरेबिलिटी वराइटी

उसके अलावा फिजिकल एनवायरनमेंट ये भी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है एटमॉस्फेयर हाइड्रॉसफियर लिथॉस्फियर अब इसकी फंक्शन क्या है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी देन ट्रॉपिक स्ट्रक्चर बायोडाइवर्सिटी मेटीरियल साइक्स ये चीज़ें हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे डिफिनीशन से ही हमें सब कुछ मिलता है कि इको क्या होता है अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है व्हाट इज इको सिस्टम देन अगर आपको ये डिफिनेशन याद है तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो शॉर्ट क्वेश्चन हो या डिफिनीशन वन लाइन क्वेश्चन हो तो उसका आंसर आप दे सकते हैं उसके अलावा माइकल एलेबे 1983 में ए ये भी एक डिफिनेशन देते हैं डिफाइनज एन एन एज ए कम्युनिटी ऑफ interdependent organisms living together in an environment the way you environment physical environment or interdependent organisms which microorganisms so plants so animals so they are always independent interdependent uh, or dependent on each other now there are various types of इकोसिस्टम जब हम इकोसिस्टम सिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर दो कैटेगरीज़ है इकोसिस्टम की फर्स्ट वन इज़ नेचुरल देन आर्टिफिशियल तो नेचुरली क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट देन टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट एक्वाटिक में फ्रेश वाटर होता है मेरीन होता है देन फ्रेश वाटर में लेंटिक होता है जो ठहरा हुआ पानी होता है फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स लेक्स वगैरह एंड देन लोटिक लोटिक होता है रनिंग वाटर जो चलता रहता है और इसमें रिवर्स आता है स्ट्रीम्स आते हैं देन वेटलैंड्स, वेटलैंड्स में स्वैम्प्स एंड मार्शेस आएंगे स्वैम्प्स होता है वो दलदल, जिसमें ग्रासेस यूजुअली ग्रो होते हैं स्वैम्प्स होते हैं जिसमें वुडी हो होंगे okay. बेसिकली जो विल्लो वगैरह पॉपुलर वगैरह जो ग्रो होते हैं ये एडजस्टन टू द रिवर्स यूजुअली होते हैं स्वैम्प्स uh, उसके बाद हमारा मेरीन होता है कोस्टल एरियाज में हमारे एसट्रीज होते हैं मैंग्रोव होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं अप वालिंग रीजन जिसमें पानी उतरता चढ़ता रहता है ओपन ओशन जो बाहरी वाला ये ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है बिकॉज इसमें उतना मिनरल एक्सचेंज नहीं होता है तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है वही हम अगर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात करेंगे तो हमारे मेजर इकोसिस्टम्स है ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इको की आपको पता ही है एक्वेरियम है एक छोटा सा एक्वेरियम फिश टैंक या कोई एग्रीकल्चर फील्ड है पैडी फील्ड है आर कॉल्ड आर्टिफिशियल जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो इनपुट्स जो ह्यूमन से आते हो अब हम स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पे डिस्कशन करेंगे जैसे कि मैंने इससे पहले आपको डिफिनेशन में ही बता दिया था कि डिफिनेशन में ही डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करेंगे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं दिस इज वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वन काइंड ऑफ कंपोनेंट जिस जिसका इकोसिस्टम बना होता है तो ये एक रिलेशन है स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स दैन हमारे पास जो रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स है तो इसको हम ओहलो बोलते हैं इन अदर टर्म्स बायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास मेजर जो कम्युनिटीज़ है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान जानते हैं जिसमें प्लांट्स आते हैं वेरियस काइंड ऑफ प्लांट चाहे ग्रासेस हो श्रब्स uh, हो ट्रीज़ वुडी प्लांट्स हो एक्वाटिक प्लांट्स हो ये सब प्रोड्यूसर्स में आता है और कुछ फोटो यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एल्गीज़ होते हैं डायाटम्स होते हैं साइनोबैक्टीरियाज़ होते हैं ये सब प्रोड्यूसर्स में आते हैं उसके अलावा हमारे पास कंज्यूमर्स है कंज्यूमर्स की दो कैटेगरीज होती है चाहे वो हरबीवोर्स हो डायरेक्टली फीड करेंगे ऑन द uh, क्या बोलते हैं इनको प्रोड्यूसर्स uh, या वो हरबीवोर्स पे फीड करेंगे इनको कारनीवोर्स बोलते हैं तो इन सब को कंज्यूमर्स बोलते हैं फ़र्स्ट स्टेज कंज्यूमर सेकेंड स्टेज कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर तो उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं डिकम्पोजर्स जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जैसे बैक्टीरिया फंजय एक्टिनोमाइसिट्स तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको डिकम्पोज करना और इसको फिर से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना ताकि प्लांट्स फिर से इसको एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम द सॉयल एज एन एग्जाम्पल एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या क्या बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं तो एक ग्रास होता है एट अ प्रोड्यूसर लेवल तो इसको इस पर फीड करता है एक गाय या हर्बीवोर या स्टेज ये भी हर्बीवोर होता है और इस पर फीड करते हैं कार्निवर्स फॉर एग्जाम्पल टाइगर और इन से जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है फॉर एग्जांपल ग्रास एक एंड ऑफ द सीज़न के बाद ग्रास जो है सूख जाता है और उसको डिकम्पोज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते चाहे फंजय हो चाहे बैक्टीरिया हो और यहाँ से हमारे हर भी भी मर जाते हैं या अगर नहीं मरेंगे तो उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डिकम्पोज करने वाला भी माइक्रो ऑर्गेजम ही होता है तो यहाँ पे भी लेवल पे ऐसा ही होता है तो डिकम्पोजर्स का रोल हर एक स्टेज पे है अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो हमारी जो बायोमास है तो वो पाइल अप हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इकोसिस्टम को सस्टेन करने में बायोटिक कंपोनेंट्स में एक और इम्पोर्टेंट जो कम्पोनेंट uh, है दैट आर प्लांट्स इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं तो इनको ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं जो सन से एनर्जी जो है कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो क्लोरोफिल होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और इनको कंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं शायद शुगर्स में करेंगे कन्वर्ट तो यही ऑटोट्रॉप्स एक बेसिक जो होता है बायो इकोसिस्टम uh, का एक बायोटिक सिस्टम uh, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है तो हर एक इकोसिस्टम में डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ ऑटोट्रॉप्स होते हैं अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की बात करेंगे वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑटोट्रॉप्स होंगे फॉरेस्ट uh, में डिफरेंट होंगे ग्रास लैंड में डिफरेंट होंगे मार्शेज में डिफरेंट होंगे तो हर एक इकोसिस्टम में डिफरेंट कैटेगरीज़ और डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑटोट्रॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगे उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है हिटीरप्स जिनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं जो फीड करते हैं ऑन द ऑटोट्रॉप्स बेसिकली जो बायोमास हमारे पास जनरेट होता है थ्रू ऑटोट्रॉप्स उसी को वो कंज्यूम करते हैं और इन्जस्ट करते हैं इनको फैगोट्रॉप्स भी बोलते हैं सोएलो करते हैं कंज्यूम करते हैं एंड देन उसको इफिगेट uh, करते हैं एनर्जी uh, निकालने के बाद यहाँ पे हम टेरिस्ट्रियल जो हर्बी वर्स है या कंज्यूमर्स है वो डिफरेंट होता है कैटल होता है डियर होता है रैबिट होता है ग्रास होपर होता है एक्वाटिक में प्रोटोजन होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इको में डिफरेंट जैसे कि मैंने अभी कहा ऑटोट्रॉपस डिफरेंट इको में डिफरेंट होते हैं वैसे ही हमारे पास हर्बी या कंज्यूमर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में हर भी वोर्स पे फीड करने वाले होते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स या टॉप कार्निवोर्स जो या टर्शरी या क्वार्टरी कार्निवोर्स फॉर एग्जांपल लाइन टाइगर जिनको कोई खाने वाला नहीं होता है और जो पूरे इकोसिस्टम को चेक बैलेंस में रखते हैं फॉर एग्जांपल अगर कार्नीवर्स टॉप कॉर्नीवर्स की पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी तो एंड देन हर व्यूवर्स की पॉपुलेशन डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी तो इकोसिस्टम सिस्टम इम्बैलेंस होगा ओवरग्रीजिंग हो जाएगी तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा जिससे ओवरग्रीजिंग के बाद हमारी डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम टॉप कॉर्नीवर्स बायोटिक कंपोनेंट्स में एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं जो रोटन जो है ऑर्गेनिक uh, मैटर पे फीड करते हैं और कंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करते हैं इन द सिंपल कंपाउंड्स और सॉइल में मिल जाते हैं ये और इनकी डिफरेंट uh, टेक्निक्स है, होते हैं एंजाइम्स होते हैं जिससे ये कंप्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं या सिंपल हमारे जो कंपाउंड्स है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं और फिर से बायोमास जनरेट कर सकते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस ओवरऑल जो हमने पिछले स्लाइडस में डिस्कस किया इसमें आपको ये इस आ, एक डायग्राम से क्लियर हो जाएगा प्रोड्यूसर्स इस पर फीड करने वाला होता है प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हम हर भी वोर बोलते हैं फॉर एग्जांपल रैबिट देन, इस पर फीड करने, वा, आ, होता, करने वाला होता है प्राइमरी कार्नीोर फॉर एग्जाम्पल जैकॉल और फॉक्स और इस पे भी फीड करने वाला होता है सेकेंडरी कार्नीोर इससे बड़ा जो आ, जो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल फॉक्स या वुल्फ जो होता है इस पे फीड करता है फॉक्स पे वो जो टॉप कार्निवोर होता है या टर्शरी कार्निवोर होता है टाइगर या लॉइन इन पे फीड करता है वो डायरेक्टली इस पे भी फीड कर सकता है इस पे भी फीड कर सकता है और रैबिट पे भी फीड कर सकता है तो ये रहा था स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम नाउ एनर्जी जो हमारे पास फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है तो इसमें हमारे पास कुछ मोटे मोटे फंक्शन है जो ऑलरेडी हमने डिफिनेशन में डिस्कस किया फॉर एग्जाम्पल एनर्जी फ्लो तो एनर्जी फ्लो यूजली फ्रॉम द सन टू द प्लांट्स टू द हर्बिवर्स टू द कार्निवोर्स टू द टॉप कार्निवोर्स जो इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है फॉर एग्जाम्पल सन से सनलाइट जो होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू द केमिकल एनर्जी स्टार्च वगैरह बायोमास तो जो जिस पे फीड करते हैं हर बीवर्स वो उस एनर्जी को डाइजेस्ट कर या बायोमास को डाइजेस्ट करते हैं एसिमुलेट करते हैं एंड देन कन्वर्ट करते हैं इन दियर बायोमास तो ये धीरे धीरे ये एनर्जी जो है कंटिन्यू रहती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स फ्रॉम सन प्रोड्यूसर्स टू हरबिवर्स टू कार्निवोर्स टू टॉप कार्निवोर्स ये हम इलाबरेट डिस्कशन करेंगे दिस इज द वन फंक्शन एनर्जी फ्लो ये एक uh, uh, क्या बोलते हैं इसको फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम है तो सेकंड फंक्शन है आपका हमारे पास जो एनर्जी फ्लो है फूड चेन है फूड वेब है इकोलॉजिकल पायरामिट्स है ये हम डिटेल uh, में डिस्कस करेंगे uh, दूसरे लेक्चर में फिलहाल आज के लिए इतना ही तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम, सिस्टम देन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन ब्रीफ क्योंकि हमें बहुत सारे साइकिल्स उसमें कवर करने पड़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पायरामिड्स इन वेरियस इको और uh, एक सेपरेट सीरीज़ रहेगा ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थैंक यू फॉर वॉचिंग